जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम कुंभ लग्न में गुरु की चर्चा करेंगे, देव गुरु बृहस्पति। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं गुरु के, कि जो देव गुरु बृहस्पति होते हैं हमारे जीवन में ज्ञान के कारक होते हैं, हमारे जीवन में संपत्ति के कारक होते हैं, हमारे जीवन में एजुकेशन है, संपत्ति है, संतान सुख है, ये सब चीज़ों के कारक होते हैं। भाग्य का भी कारकत्व है, व्यापार का भी कारकत्व उनके पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लड़की के जीवन में पुरुष कैसा मिलेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, विवाह कब होगा, ये चीज गुरु बताते हैं। पुरुष की कुंडली में शुक्र बताते हैं, वैसे ही स्त्री की कुंडली में विवाह गुरु बताते हैं, बृहस्पति बताते हैं। इस तरीके से हमारे जीवन में अगर गुरु बलवान है तो इंसान सिद्धांतवादी होगा, इंसान धार्मिक होगा, इंसान अच्छे काम करने वाला होगा, इंसान ज्ञानी होगा, इंसान समझदार होगा, इंसान उच्च पद हासिल करने वाला होगा। जॉब करेगा तो भी उच्च पद पे जाएगा, पॉलिटिक्स में होगा तो भी बड़े पौधे तक जाएगा, फिल्म लाइन कोई भी जगह पे एक रेस्पेक्टेड पोजीशन वो बना पाएगा, मान सम्मान मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा सोसाइटी से। गुरु जितना बलवान है वो एक मंत्री तुल्य होगा, लोग उसकी सलाह मानेंगे, लोग उसकी सलाह लेंगे कुछ भी करने से पहले। इस तरीके से गुरु अगर बलवान है तो आपको रेस्पेक्ट दिलाएगा, आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक, पाँच स्थानों के वो कारक होते हैं कुंडली में, काफ़ी हद तक आपकी लाइफ को एक बैलेंस मिलता है। और यही गुरु कमजोर होते हो तो जैसा कि हमारी लाइफ के इतने जो इंपॉर्टेंट सारे जो हमने अभी बात की वो सब पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। गुरु में मेदस्विता, मोटापा है, डायबिटीज है, ये सब बीमारियां, फिर मोटापे से जो आती है वो सब बीमारियां भी फिर गुरु अगर विकृत होते हैं तो आती है हमारे जीवन में। हम अगर कुंभ लग्न में गुरु की बात करें तो दूसरे स्थान के मालिक है, 11वें घर के मालिक है। देखिए, अब यहाँ पे कुंभ लग्न में सबसे बड़ा चर्चा का विषय यह होता है गुरु के बारे में, एक तो ये मारक हो जाते हैं और दूसरी बात जो ये भी कह सकते हैं हम कि जो भी आर्थिक फाइनेंशियल जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है वो उनके पास है। बैंक बैलेंस, आपके पास कितना पैसा होगा, इनकम, महीने का आप कितना कमाएंगे, फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का सुख, आपकी वाणी, यानी देखिए इतने इंपॉर्टेंट स्थान भी उनके पास है। तो इस कुंडली में हमें एक चीज़ तो समझनी होगी, देखिए मारकत्व, मारक ग्रह तो है इस लग्न में और लग्नेश के साथ उनका समव्यवहार है। अगर वो बिगड़ते हैं, खराब स्थिति में होते हैं तो संघर्ष बढ़ाएंगे, लेकिन अगर इसी कुंडली में जितनी अच्छी पोजिशन में होंगे वो शुभ स्थिति में होंगे तो हमारी जीवन आर्थिक सद्धताएँ बढ़ाएंगे, हमें आर्थिक उन्नतियाँ मिलेगी और पॉजिटिविटी रहेगी। अब हम बात करते हैं 12 भाव में गुरु कैसा फल देंगे। अगर कुंभ लग्न में गुरु पहले भाव में आते हैं तो यहाँ पर धनेश होकर लग्न में आ गए, लाभेश होकर लग्न में आ गए, सम गुरु यहाँ पे सम शनि के घर में है, तो यहाँ पर गुरु आपको पैसे के मामले में भाग्यशाली बनाएंगे, इनकम के मामले में भाग्यशाली बनाएंगे। हाँ, इतना है शनि के घर में है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनकी उच्च की राशि है, स्वग्रही है, मित्र क्षेत्रीय है कि आपको बहुत फास्ट रिजल्ट देंगे, या कि आप अपनी मेहनत से, हार्डवर्क से आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा, इस तरीके से आपको बहुत फायदे होंगे। गुरु के भाग्योदय के वर्ष होते हैं 16 और 40वां साल। 16वें साल से भी हमें प्रोग्रेस दिखती है, भले वो एजुकेशन वाइज हो, कुछ सीखना हो इस तरीके से, और बड़ा उनका भाग्योदय फिर 40वें साल में भी हम समझ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ के गुरु हमें अच्छी स्पीकिंग स्किल्स देंगे, हमारी वाणी अच्छी होगी, हम बोलने में होशियार होंगे। यहाँ का गुरु आपको ज्ञानी बनाएगा, मान सम्मान दिलाएगा, यहाँ का गुरु आपको फैमिली का सपोर्ट दिलाएगा, फैमिली का सुख देगा। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी संतान भाव पे, और गुरु की दृष्टि हमेशा अच्छा फल देती है, संतान के सुख में बढ़ोतरी होगी, संतान का सुख आपको अच्छा मिलेगा, नॉलेज बढ़ेगा आपका, गुरु की दशांतर दशाओं में लाभ होगा आपको, सडन लाभ मिलेंगे। 7वें घर की दृष्टि दाम्पत्य जीवन में, अपने जीवन साथी के सुख में बढ़ोतरी होगी, भागीदारी में कुछ कामों में आपको अचानक लाभ मिलेंगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ग्रह नहीं, सप्तमेश को भी देखना होगा आपका, 7वें घर को भी देखना होगा, क्योंकि एक दृष्टि पड़ेगी 9वीं भाग्यस्थान के ऊपर, जैसे कि 5-7 9वीं दृष्टि होती है, तो भाग्यस्थान पे भी गुरु की दृष्टि यहाँ पे आपको उन्नतियाँ ही करवाएंगी, आपके भाग्य में बढ़ोतरी करवाएंगी, आपकी धार्मिक यात्राएं करवाएंगी, अच्छे गुरु के गोचरों में, अच्छे गुरु के अंतर दशाओं में, इस तरह गुरु आपके जीवन में यहाँ पे लाभकारी साबित होंगे। अब हम बात करें गुरु के दूसरे भाव में, यहाँ पे गुरु स्वग्रही हो जाएंगे, ये बहुत अच्छी पोजीशन हो गई। पहले लाभेश का दूसरे भाव में आना, लाभेश का धन भाव में आना, ऐसे जो कुछ धनेश का लाभ स्थान में जाना, ऐसे कुछ जो योग है ये सब इंसान को शून्य से सृजन करने वाला बनाते हैं, इंसान शून्य से करोड़पति तकात हो जाता है, ये बहुत अच्छी पोजीशन है गुरु के लिए। गुरु वाणी स्थान में स्वग्रही होगा, आपकी वाणी अच्छी होगी, आपका लाभ, कुटुंब का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, अपनी स्पिरिचुअलिटी होगी, आप धार्मिक प्रवचनकर्ता, इस तरीके से आप कोई भी धर्म के वक्ता, अच्छे वक्ता बन सकते हैं, आप जनरली वक्ता तो बन ही सकते हैं, और धार्मिक उपदेशक तो आप बहुत अच्छे बन सकते हैं, लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपकी वाणी को, आपकी जो डीप गहराई को जानकर लोग बहुत आपको फॉलो करेंगे। इस तरीके से आपका गुरु आपको अनेक प्रकार से लाभ देगा, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा, आपके घर में सोना, चांदी, जवेरात, ये सब चीज़ों की बहुत बढ़ोतरियाँ होंगी, आपका चेहरा सुंदर होगा, आपके चेहरे पे एक तेज होगा, जितना यहाँ पे गुरु बलवान होगा, फैमिली सपोर्ट, फैमिली का सुख, हर तरीके से यहाँ का गुरु आपके लिए लाभकारी होगा, बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा,
आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी, गुरु की देशांतर दशाओं में आप कुछ औहदों को पाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे पॉलिटिक्स में, तो बड़े बड़े बड़ी पोस्ट तक आप पहुंचेंगे। अगर नौकरी कर रहे हैं तो वहां पे भी आप बड़ी पोस्ट तक जा पाएंगे, अगर बिजनेस भी कर रहे हैं तो वहां पे भी आप अच्छी खासी गुरु की दशाओं में फाइनेंशियल ग्रोथ को देख पाएंगे। इस तरीके से यहाँ का गुरु आपके लिए अनेक प्रकार से लाभकारी होंगे। इनकी पांचवी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे छठे भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है, तो गुरु की यहाँ की दृष्टि भी आपको आपको विरोधियों से बचाएगी, आपके रोग बीमारियों इस तरीके से नकारात्मक जो भी यहाँ के जो रिजल्ट्स है, शत्रु विरोधी कोर्ट कचहरी ये सब नकारात्मक चीजों में यहाँ की गुरु की दृष्टि आपको हर मामले में मदद करेगी। गुरु की सातवीं दृष्टि पड़ेगी आठवें घर के ऊपर, संघर्ष का आयुष्य का जो स्थान है, यहाँ पे भी गुरु की दृष्टि के कारण आपके जीवन में संघर्षों में भी आपको मदद मिलेगी, दैवीय कृपा का एहसास होगा। गुरु एक दैवीय ग्रह है, गुरु एक देव तत्व वाला ग्रह है। अगर गुरु कुंडली में पॉजिटिव है तो रोज आपको भगवान की प्रार्थना पूजा पाठ जो भी थोड़ा सा समय मिले करना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो इस चीजों से आप गुरु का बल और बढ़ा सकते हैं। बड़ों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए अपने बड़े बुजुर्गों का, क्योंकि गुरु जिस तरह शनि बड़े बुजुर्गों का वृद्धों का कारक है, उसी तरह वड़ील हमारे जो बड़े होते हैं, चाहे माँ बाप भी माँ बाप है, हमारे स्कूल के टीचर्स है, हमारे जो भी गुरु है जो भी हमें ज्ञान देते हैं, उन गुरुओं का रिस्पेक्ट करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर गुरु आपका पहलवान है और आप गुरुओं का रिस्पेक्ट नहीं करते हो, अनादर करते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, ये मैटर नहीं करता है। हमारा हमारे अंदर ऐसे संस्कार होने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का गुरु, चाहे वो किसी भी धर्म के गुरु हो, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप नहीं मानते हो तो हाथ मत जोड़ो, लेकिन उनका अनादर भी कभी भी गलती से भी हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध चलते हैं, तो गुरु के जो अच्छे फल होते हैं वो कमजोर होने चालू हो जाते हैं, वो हमें उतने अच्छे तरीके से नहीं मिलते हैं। इस तरीके से आठवीं घर की दृष्टि का अभी बात, सातवीं दृष्टि बात हुई आठवीं घर पे, फिर इनकी नवीं दृष्टि पड़ेगी दसवें भाव के ऊपर, तो यहाँ की दृष्टि भी आपको आजीविका के क्षेत्र में लाभ कराएगी, गवर्नमेंट से फायदा देगी, पिता से लाभ होगा आपको, आपको आजीविका के क्षेत्र में व्यापार में उन्नतियां मिलेंगी। अब हम बात करते हैं गुरु की तीसरे भाव में। अगर गुरु तीसरे भाव में आते हैं तो यहाँ पर देखिए धनेश होकर और लाभेश होकर तीसरे भाव में अपने हार्डवर्क से आप पैसा कमाएंगे, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे, उनसे आपको लाभ मिलेगा और उनके साथ आपको अच्छे संबंध रहेंगे, उनका आपको सपोर्ट, आप भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, बुरे वक्त में उनका भी आपको सहयोग मिलेगा, ऐसे गुरु के कारण उनसे धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इसलिए यहाँ का जो गुरु है आपको हार्डवर्क से आपको पैसा दिलवाएगा, आपका लाभ हार्डवर्क से होगा, कठिन मेहनत से होगा, पुरुषार्थ से होगा, आपकी धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी, यहाँ पर आपके जीवन में धार्मिक यात्राएं बहुत होगी और आपको करनी भी चाहिए। और अगर यहाँ पे गुरु बलवान है, यहाँ पे मंगल का भी अगर अच्छा योग हो जाता है, तो आप कुछ राइटिंग भी कर सकते हैं, आप लेखन भी कर सकते हैं, और गुरु का बल होने के कारण, ज्ञान अपने प्रॉपर होने के कारण आप कुछ अच्छी चीजों का लेखन कर पाएंगे, ज्ञान का संकलन कर पाएंगे, काफी कुछ सीख पाएंगे। इस तरीके से यहाँ का गुरु आपके जीवन में फायदा देगा, यात्राओं से आपको फायदा होगा, छोटी छोटी अगर आप व्यापारिक यात्राएं करते हैं उससे फायदा आपको होगा। इस तरीके से यहाँ का गुरु आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होगा। पांचवी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर सातवें घर के ऊपर, मैरिज लाइफ में आपको फायदा होगा गुरु की दृष्टि के कारण, दाम्पत्य जीवन में गुरु की दृष्टि आपको मधुरता का मिठास का बढ़ोतरी करेगी। भाग्यस्थान पे दृष्टि, भाग्योदय में मदद, धार्मिक यात्राओं में बढ़ोतरी, जैसा कि बताया इनकी लाभ स्थान की खुद के घर को देखने के कारण आपको हार्ड वर्क से आपको बहुत अच्छी पैसे की प्राप्ति, अपनी प्रॉपर्टी भी आप बना पाएंगे, इस तरीके से आपको उन्नति यहाँ पे देंगे गुरु। अब हम बात करते हैं गुरु के चौथे भाव में। गुरु अगर चौथे भाव में आते हैं यहाँ पे शुक्र के घर में आ जाते हैं, शत्रु क्षेत्री हो जाते हैं। अब धनेशों के चौथे भाव में और लाभेशों के केंद्र में चौथे भाव में आ गए, अगर ये पाप प्रभाव में नहीं है, इसको आप नवांश में भी देखिए, इसको आप दृष्टिया भी देखिए, इसको प्रॉपर एनालाइज करिए, तो ऐसी जगहों पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एनालाइज करना। अगर यहाँ पे शत्रु क्षेत्री बैठे हैं तो यहाँ पे संघर्ष से फायदा देंगे, लेकिन आर्थिक रूप से सद्धरता, आवक के मामले में बढ़ोतरी, ये सब अच्छे रिजल्ट्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, लेकिन हार्ड वर्क से, क्योंकि शत्रु क्षेत्री है। फिर यहाँ पे इनका कितना भला बल है और यहाँ पे कई और ज्यादा पाप प्रभाव में तो नहीं आ रहे, वो सब देखना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आठवें घर पे इनकी एक दृष्टि होगी, जो भी ये दृष्टि भी आपको, पांचवी दृष्टि आपको संघर्ष में मदद दिलवाएंगी, ससुराल से आपको सपोर्ट दिलवाएंगी, इस तरीके से आपको यहाँ पे संघर्षों में मदद मिलेगी दैवीय कृपा से। पिता के स्थान पे दृष्टि पड़ेगी, पिता से लाभ होगा, गवर्नमेंट से लाभ होगा, आजीविका के क्षेत्र में आप हार्डवर्क से जो है उन्नति आप करेंगे, आपको किसी न किसी की मदद सपोर्ट मिलता रहेगा। इनकी दृष्टि पड़ेगी पारवे घर के ऊपर, काफी नीच की दृष्टि होगी, यहाँ पे गुरु की दृष्टि आपके लिए कुछ फालतू के खर्चे पैदा करने वाली होगी। ये हुई चौथे भाव के गुरु की चर्चा। अब हम बात करते हैं पांचवें घर के गुरु की। यहाँ पे हो जाएंगे गुरु बुध के घर में आ जाएंगे। अब लाभेश होकर त्रिकोण स्थान में आ गए, धनेश होकर त्रिकोण स्थान में आ गए, संतान के जन्म के बाद आपकी आपको बहुत फायदा होगा, आपकी उन्नति होगी, संतान से आपको बहुत लाभ होगा, संतान बड़ी होगी आपको काफी लाभ होगा, आपको अचानक शेयर सट्टा लॉटरी इन चीजों से भी आपको लाभ होगा। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ, खाली एक चीज देखिए शेयर सट्टा चालू नहीं कर देना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं उस चीज के पीछे, बहुत सारे भाव देखने होते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे हजार में सिर्फ एक ही आदमी कंटिन्यूअसली उसमें शायद कमाता होगा, बाकी लोग कमाते हैं और दो चार साल में उसको वापस शेयर बाजार कोई नुकसान ही करके रिटर्न करके वापस बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें, वाणी अच्छी होगी, वाणी पावरफुल होगी,
वाणी से आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, बड़े औहदे तक आप पहुंच पाएंगे, गुरु की दर्शांतर दशा में आपकी उन्नतियां होंगी, प्रमोशन होगा, स्ट्रॉन्ग इनकम के योग बनेंगे। गुरु के जो व्यवसाय है एजुकेशन लाइन, गुरु के जो जो भी पोस्ट वाला काम है, मान सम्मान का काम है, किसी भी उच्च औहदे पर पहुंचना है नौकरी करके, कहीं भी मैनेजमेंट का काम है, इस तरीके के कोई भी काम है, कंसल्टेंसी का काम है, सलाह देने का काम है, इस तरीके का आपकी कोई भी मैनेजमेंट का आप काम करेंगे तो गुरु के कारण आपको लाभ होगा। गोल्ड का काम है, सोना चांदी का काम है, सोना विशेष करके गुरु में आता है, स्वर्ण का काम, गोल्ड का अगर आप काम करते हैं ऐसे में तो भी लाभसन की खुद के भाव को देखने के कारण आपको गुरु इन सब चीज़ों में आपको फायदा दिलवाएंगे, आपको नॉलेजेबल व्यक्ति बनाएंगे, आपकी आपकी बुद्धि अच्छी होगी, शार्प होगी। लेकिन इतना होता है, मैं कुछ और दो तीन सिद्धांतों की यहाँ पे लेना चाहूंगा कि जैसे हम सुनते हैं गुरु जिस स्थान में बैठता है उस स्थान का नाश करता है, हम जनरली पढ़ते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें स्थूल रूप से देखी जाती हैं कि उसकी पोजीशन कैसी है, वो सब उसका कहीं वो नीच का है उच्च का है, ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए। बाकी ये सब चीज़ें स्थूल रूप से कही गई होती है, ऊपर से होती है ये चीज़ें। अब कहते हैं कि केंद्र में गुरु होता है तो एक करोड़ दोषों का नाश करता है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, शायद जिन्होंने पूरी जिंदगी शायद दो टाइम की रोटी का गुजारा मुश्किल से जिन्होंने किया और ऐसे में उनकी पूरी जिंदगी भी बीत गई, ऐसे लोगों के केंद्र में गुरु देखने को मिलेगा, शुक्र देखने को मिलेगा केंद्र में, बुध भी देखने को मिलेगा। ऐसी कई कुंडलियां जो बहुत से आप अगर जो भी देख रहे हैं जिन्होंने ऐसी कुंडलियां देखी होगी, तो खाली ये सब स्थूल सिद्धांत होते हैं कि इस एक सिद्धांत को हम पकड़ के कई बार सोचते हैं या तो ज्योतिष गलत है या तो फिर इस सिद्धांत को पकड़ के गलत भविष्यवाणी करते हैं, पर ये सब स्थूल सिद्धांत होते हैं। भाव भावेश कारक 50 चीजें देखी जाती है ज्योतिष शास्त्र में, एक सिद्धांत को पकड़ के कभी हम सही भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं गुरु की छठे भाव में, यहाँ पे गुरु हो जाएंगे उच्च के, और ये धनेश होकर उच्च के हो गए, लाभेश होकर उच्च के हो गए, कंपटीशन के स्थान में उच्च के हो गए, तो यहाँ पे बलवान होंगे तो कंपटीशन में इंसान आगे आ पाएगा, चाहे उसके कितने भी कॉम्पिटिटर होंगे वो अपने हार्डवर्क से अपने एक जगह बना पाएगा, और वो नौकरी अगर वो करेगा तो नौकरी में भी बहुत अच्छा पैसा कमा पाएगा। लेकिन अगर ऐसे में अगर उसका व्यापार स्थान पावरफुल है तो खुद के बिजनेस में भी ऐसा इंसान बहुत सारा पैसा कमा पाएगा। लेकिन खड्डे का स्थान इसलिए थोड़ा हार्डवर्क से कुछ संघर्ष से इंसान को लाभ होगा, सफलताएं मिलेंगी। अमिताभ बच्चन की कुंडली में इसी तरह के गुरु विराजमान है। इस तरीके से अगर हम गुरु को यहाँ पे देखें तो इनकी एक दृष्टि पड़ती है व्यापार स्थान के ऊपर, जो कि इंसान को हार्डवर्क से कर्म से सफलताएं दिलाती है, पिता से लाभ करवाती है। इस तरीके से यहाँ पे हमें अच्छे कर्म भी इंसान के हाथ से होते हैं। यहाँ पे हम देखें बारहवें घर में जो दृष्टि होती है ये नीच की दृष्टि होती है, तो ये फालतू के खर्चे जीवन में बढ़ाती है, कई बार हेल्थ के इश्यूज के कारण है, ये सब छोटे मोटे हमें खर्चे फालतू के नीच की दृष्टि इसलिए बढ़ाएंगे। लेकिन गुरु की दृष्टि है कई बार अच्छे कामों के पीछे भी इंसान का खर्चा होगा। इनकी अगर दूसरी नवी दृष्टि की हम बात करें कुटुंब भाव की होगी, कुटुंब का सहयोग अच्छा मिलेगा, कुटुंब का सपोर्ट होगा, कुटुंब का स्नेह मिलेगा, पैसे का भाव और बलवान होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा हार्डवर्क से आपको ये सब चीजों का अचीवमेंट्स की आपको प्राप्ति होगी, तो यहाँ का जो उच्च का गुरु है आपको मामा का सुख अच्छा मिलेगा, मामा पावरफुल हो सकते हैं, मामा का प्रेम, मामा का सहयोग, मामा का सपोर्ट मिल सकता है। नौकरी वगैरह कुछ कर रहे हैं और उसमें अगर आपकी कुछ अदर और एजुकेशन करके आपको उसमें कुछ औहदे की आपको अगर संभावना लगती है तो जरूर ट्राई करिए। आपको ऐसा गुरु अच्छी दशा अच्छे गोचर में, दूसरा पांचवा सातवां नौवां ग्यारहवां जो भी अच्छे गोचर का गुरु आएगा आपको अच्छे औहदे प्रमोशन के भी चांसेस बनवाएगा, तो ऐसे में आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए, आपको लाभ होगा। अब हम बात करते हैं गुरु की सातवें घर में। सातवें घर में जब गुरु आते हैं तो धनेश और लाभेश होकर आए, तो यहाँ पे केंद्र स्थान में अपने मित्र के घर में आ गए। अब हम बोलेंगे हाँ मैं एक और बात कर रहा था, जैसा कि गुरु जिस स्थान में बैठता है उस भाव का नाश करता है, जैसा हमने सुना, उस भाव का नाश नहीं होता है, ये थोड़ा स्ट्रांग वर्ड हो गया, उस भाव में डिले हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। संतान भाव में आया तो हम देखेंगे कि भाई संतान डिले से मिली, ऐसा बहुत सी कुंडली में होता है। गुरु सातवें घर में आए तो कई बार ऐसा होता है कि भाई मैरिज में थोड़ा ज्यादा लेट हो गया तो कुछ उस चीजों में थोड़ी डिले हो सकती है, पर ऐसा नहीं कि वो उस भाव को खत्म कर देगा, तो वो चीज एग्जैक्टली बैठेगी नहीं, थोड़ी गलत हो जाएगी। अब यहाँ पे गुरु आ गए सातवें घर में, मित्र के घर में, केंद्र में आ गए, पैसे की पोजीशन इंसान की बहुत अच्छी होगी, आर्थिक उन्नति बहुत अच्छी कर पाएगा, गुरु की दशा अंतर दशा अच्छी गोचर में बहुत प्रगति करेगा, अच्छी इनकम के योग बनेंगे, अच्छे लाभ कमाएगा। जैसा कि मैंने गुरु के जो व्यवसाय बताए, गुरु के जो बिजनेस है, एजुकेशन लाइन है, टीचर लाइन है, भले आप टीचिंग लाइन में जाइए, प्रोफेसर बनिए, आप कोई भी क्लासेस खोल दीजिए, कोई भी कंसल्टेंसी का काम चालू कर दीजिए, पीली चीजों का काम करिए, येलो आइटम्स का काम करिए, ये सब चीजों में आपको यहाँ के गुरु आपको फायदा करवाएंगे, लाभ दिलाएंगे। इनकी पांचवी दृष्टि बड़ी लाभ स्थान पे, खुद के घर को देखेंगे, अच्छे इनकम लाभ वगैरह में बढ़ोतरी करेंगे। लग्न भाव पे आपको नॉलेजेबल व्यक्ति बनाएंगे, आपको समझदार व्यक्ति बनाएंगे, जिंदगी में आप बहुत कुछ सीखेंगे और उसको अपने लाइफ में बेहतर बना पाएंगे। यहाँ पे एक दृष्टि पड़ेगी नवी दृष्टि, जो कि छोटे भाई बहन से आपको लाभ दिलवाएगी और आपको जितना आपके अच्छे कर्मों से आपको फायदा मिलेगा, आपको आपके जो पुरुषार्थ होगा हार्डवर्क होगा उससे फायदा होगा। शादी के बाद धन की वृद्धि, पत्नी से लाभ में दो तीन प्रकार होता है, या तो उनके आने के बाद ही हमारा भाग्योदय तो आपको बढ़ने ही वाला है, दूसरे तरीके से कई बार वो जॉब करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, कई बार उनका कुछ ससुराल से वो बहुत कुछ लेके आ जाते हैं कुछ लोगों की जिंदगी में, तो इस तरीके से लाभ होता है। फिर भी मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, कहना चाहूंगा, उम्मीद रखना गलत बात है, अपने बूते पे इंसान को भरोसा होना चाहिए। अगर कुछ लोग जो औरत के कमाई पे इस पे जो रहते हैं
वो मेंटेलिटी बदल देनी चाहिए हमें। बाकी इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ का गुरु बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा, गुरु बलवान होगा, इंसान में स्पिरिचुअलिटी होगी, पॉजिटिविटी होगी, इंसान धर्म को मानने वाला होगा, इंसान साधु बन सकता है, इंसान साधु के जैसा संसार में लेकर साधु की तरह जी सकता है, इस तरीके से एक बहुत अच्छी लाइफ को इंसान जी सकता है। अब हम बात करते हैं आठवें घर में गुरु की। यहाँ पे गुरु धनेशों के आठवें घर में आए, बुध के घर में आ गए, लाभेश होकर आठवें घर में आए, तो यहाँ पे पोजीशन इतनी अच्छी नहीं होगी, ना स्वग्रह है, ना बहुत मित्र के स्थान में, संग्रह के स्थान में, तो यहाँ पे जो है, लेकिन ये यहाँ पे संघर्ष बढ़ाएंगे आर्थिक मामलों में, कुटुंब से छोटे मोटे मतभेद बढ़ सकते हैं, लाभ के मामले में आपको संघर्ष बढ़ सकता है जीवन में, कई बार आपकी आपको अपने काम बदलने पड़ सकते हैं, कई बार आपको आपका 6 महीने अच्छा चलेगा, 6 महीने वापस स्ट्रगल हुआ, 2 साल अच्छा चला, फिर साल 2 साल आपका डाउन आया, तो आपको ऐसे कुछ स्ट्रगल आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इनकी जो एक दृष्टि है 12वें घर पे पड़ेगी, थोड़ी फिजूल खर्ची बढ़ाएगी, जो कुटुंब आपकी जो दृष्टि पड़ेगी, कुछ कुटुंब से सहयोग और जैसे जैसे काम पर निकल जाना, अचानक कुछ भी काम आ जाना, कुछ भी सहयोग मिल जाना, इस मामले में कुटुंब से सहयोग, इस तरीके से आपको सहयोग जरूर देंगे, वाणी में भी आपके कुछ पावर देंगे क्योंकि खुद के घर को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल में आपको यहाँ पे गुरु के थोड़े उपाय करने चाहिए, गुरु के जाप करने चाहिए, प्रॉपर इनकी दशांतर दशा, दूसरे किसी योग में किस दृष्टि में किस प्रकार बैठे दिखाकर आपको उपाय करने चाहिए। चौथे भाव पे एक दृष्टि होगी माता का सुख, मित्रों का सहयोग, ये सब चीजों में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स में बढ़ोतरी करेंगे, प्रॉपर्टी का सुख, ये सब चीजों में गुरु थोड़ी मददगार दृष्टि के कारण कुछ हद तक मदद होगी, लेकिन ओवरऑल में यहाँ पे कुछ संघर्ष बढ़ता है तो उपाय जरूर करने चाहिए। अब हम बात करते हैं गुरु की नवम भाव में। नवम भाव में अगर गुरु आते हैं तो धनेश होके नवम घर में गए, लाभेश होके नवम घर में गए, ये भी ऐसा कहा जाता है धनेश नवम घर में हो तो इंसान के पैसे के काम कभी अटकते नहीं है। पहले आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है लेकिन आपको सडनली अगर हॉस्पिटल का 50,000 का खर्चा आ गया तो कहीं से भी आ जाएगा, आपकी जरूरतें कभी अटकेंगी नहीं। हाँ शौक अटक सकते हैं, शौक आपके लाखों करोड़ों के हो सकते हैं लेकिन जरूरत कभी अटकेगी नहीं। बेटी की शादी आ गई, पैसा आ जाएगा, बच्चों का एजुकेशन का आ गया, जितनी जरूरत में आपका हो जाएगा, मतलब आप जरूरत के समय में कहीं से भी सपोर्ट सहयोग काम आपका निकल जाएगा, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर ये ज्यादा बलवान है, दूसरे ग्रहों का सपोर्ट है, तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस होगा और इंसान धार्मिक होगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा होगा, इनकम बहुत अच्छी होगी, बड़े भाई बहन से भी इंसान को लाभ होगा, इस तरीके से इंसान जीवन में उन्नति कर पाएगा, धार्मिक यात्रा वगैरह कर पाएगा और लाभ कमाने के लिए वो यात्रा कर पाएगा, विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं, दूसरे योग अगर सपोर्ट कर रहे हैं और यात्राओं से उसे लाभ भी होगा, पैतृक संपत्ति के यहाँ पे योग बन सकते हैं, गुरु के बला बल पे निर्भर करता है, शुक्र भी देखना होगा यहाँ पर, इस तरीके से नवम गुरु हमें फायदा देगा। अब हम बात करते हैं दशम भाव में गुरु की। यहाँ पे गुरु मित्र क्षेत्रीय हो जाते हैं, मंगल के घर में आते हैं, तो यहाँ पे धनेश होकर केंद्र में आ गए, दसवें घर में लाभेश होकर आ गए, तो यहाँ पर गुरु अपनी मेहनत से इंसान बहुत आगे आएगा, गुरु के सारे व्यवसाय में बहुत आगे आएगा, खुद अपने फील्ड का गुरु बनेगा, मास्टर बनेगा, अपने फील्ड से अपने बिजनेस से बहुत पैसा कमाएगा, गुरु की दशांतर दशाओं में प्रगति करेगा, बला बल देखना होगा, अशुभ प्रभाव में तो नहीं है, युवावस्था में कुमार अवस्था में दूसरे ग्रह किस तरह कुछ दुर्योग तो नहीं बना रहे, ये सब चीज़ों को हमें देखना होगा, यहाँ का गुरु बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होगा। कुटुंब भाव पे दृष्टि होगी, वाणी स्थान पे, धन भाव पे, आर्थिक रूप से सदृढ़ता में वो भी और स्ट्रॉन्ग बनाएगी इस भाव को, माता के संग माता पिता का सुख यहाँ पे बढ़ेगा, माता पिता का सहयोग बढ़ेगा, मित्रों का लाभ बढ़ेगा, सुख समृद्धि में सुख शांति में बढ़ोतरी कराएगा। यहाँ पे नवी दृष्टि, यहाँ पे रोग बीमारियों शत्रु कोर्ट कचहरी ये सब चीज़ों से हमें मदद करेगा, ये सब चीज़ों से हमें बचाएगा, क्यों दसवें घर के गुरु की। अब हम बात करते हैं 11वें घर के गुरु की। यहाँ पे गुरु हो जाएंगे स्वग्रही, यहाँ के स्वग्रही गुरु पुष्कर योग करेंगे, जवेरात लेना हो, गोल्ड घर में भरना हो, सारे आपके सपने पूरे होंगे, संपत्ति, अच्छी संतान, आपको हर सुख मिलेगा, तो इस तरह यहाँ का गुरु का बलवान होना बहुत बड़ा वरदान होगा, गुरु की दशांतर दशाएं बहुत अच्छी जाएंगी, इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो गुरु की दशा तो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी, और जो गुरु के हमने व्यवसाय बताए, गुरु की जो लाइनें बताई, वो भी बहुत फायदा करेगी। ऐसे में तो ऐसे भी कई बार देखा गया है कि कुछ लोगों की कुंडली में ऐसे योग थे, तो वो टाइम पहले उन्होंने नहीं कमाया, यंग उम्र में आ गया, मुझे 20-25 साल की उम्र में गुरु की दशा आ गई, बगैर कमाए भी उनके जल से आराम से वो जिंदगी जीते रहे माँ बाप की वजह से, पर फिर वो योग गया, उस टाइम उन्होंने लाइफ को सीरियसली मेहनत नहीं की, तो बाद में उनको फिर तकलीफ आई, यानी कुछ नहीं करके भी उनको सपोर्ट मिलके भी वो लोग आराम से जीते रहे ऐसी दशाओं में। इसका मतलब ऐसी दशाओं में हमें और मेहनत करके अपनी लाइफ को सेटल करना चाहिए, तो ऐसे ग्रह का हम पूरी तरह फायदा उठा सकते हैं। पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, धर्म को मानना चाहिए, भगवान सेवा पूजा करनी चाहिए भगवान की, जिस धर्म के भी हमें भगवान को मानना चाहिए, तो उससे भी यहाँ का हमारा, क्योंकि गुरु देव तत्व का ग्रह है, गुरुओं का ग्रह, हमारे गुरुओं का रेस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, पर आजकल के जो ढोंगी दुतारे गुरु उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। गुरु का मतलब होता है सदगुरु,
गुरु गुरु वो होते हैं जहाँ पे भी आपको पैसा रखवा रहे हैं और आप फिर भी गुरु गुरु कर रहे हो, तो आप समझिए आप गलत रास्ते पर है। गुरु ऐसा होता है रुखी सुखी खा के खुश रहता है, गुरु कभी पैसा नहीं मांगता है। जो भी जो हम मैं धर्म के गुरुओं की बात कर रहा हूँ, जो धर्म के गुरु होते हैं वो लोग पैसा कभी भी जो आपसे डिमांड नहीं करते, वो सही गुरु होते हैं। अब हम बात करते हैं बारहवें घर के गुरु की। बारहवें घर का गुरु यहाँ पे नीच के हो जाएंगे और ये अच्छी पोजीशन नहीं है, एक दरिद्रता योग निर्माण होगा। क्योंकि धनी अगर ये नीच भंग हो रहा है तो आपको विदेश से बहुत लाभ होगा, फॉरेन जाके कमाएंगे, आपको इतनी तकलीफ कुछ संघर्ष से आपको बहुत लाभ होगा, बहुत उन्नति कर पाएंगे। लेकिन अगर ये नीच भंग नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, नवमांश के द्वारा कुंडली के द्वारा, तो यहाँ पे धनेश बारहवें घर में नीच का हुआ, आर्थिक संघर्ष बहुत होता है, परिवार से सहयोग नहीं मिलता है। इसमें भी सातवां घर कमजोर हुआ तो मैरिज टाइम पर नहीं होती है, और लड़की की भी कुंडली है तो उसको भी ज्यादा दिक्कत आती है। पति पत्नी में अनबन रहती है, पति पत्नी का पर्सनल लाइफ का स्थान होता है, शैया सुख का स्थान होता है, इंसान को नींद से संबंधी तकलीफें आती है, आंख की तकलीफ आती है, यहाँ पे पैर की तकलीफ आ सकती है, बारवा स्थान है। गुरु के संबंधी जो रोग है वो सब, जो मेधस्विता है, मोटापा, ऐसे भी अगर हो रहा तो तुरंत उस पर इलाज कराना चाहिए। नुकसानियों के योग बनते हैं। आप ऐसे में कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी कई बार विदेश यात्रा का प्लान करते हैं, कुछ भी करते हैं तो आपको सही तरह से सफलताएं नहीं मिल पाती, यात्राओं में नुकसान होता है। तो यहाँ का गुरु आपके लिए जीवन में नकारात्मक रिजल्ट ज्यादा देता है। तो ऐसे में गुरु का उपाय आपको जरूर करनी चाहिए, कुंडली दिखाकर रत्न जरूर धारण करो, रत्नों से बहुत फायदा होता है। कुछ भी काम करो श्रद्धा से करो, दान करो, गरीबों को दान करो, दुआएं लो, दान रत्न जप जाप करो ज्यादा से ज्यादा, थोड़े से जाप करने से कुछ नहीं होता है। और जप तप रत्न, जप 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 तप दान और रत्न, ये जो भृगु संहिता के चार उपाय, हमें ये चारों श्रद्धा से करने चाहिए, बहुत फायदा देखने को मिलता है। इसी तरीके से हमारे आज के कुंभ लग्न में हमने गुरु की चर्चा की बारह भावों में। हमारे अगले वीडियोस में हम अगले ग्रहों की चर्चा करेंगे, अगले योगों की चर्चा करेंगे। हमारे कार्यालय से कुंडली दिखाने के लिए हमारी फीस ट्रांसफर करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पूरे भारत से अपॉइंटमेंट्स बुक होती है, विदेशों से अपॉइंटमेंट्स बुक होती है। धन्यवाद।